हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकृति और मैं हूँ कीर्ति। आज मैं अपने इस नई वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई एक और प्रोडक्ट रिव्यू और ब्रांड नेम है वैसलीन और प्रोडक्ट है वैसलीन का न्यूली लॉन्च बॉडी सीरम स्प्रे जिसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। उसका नाम है वैसलीन समर डेली ब्राइट एंड कामिंग बॉडी सीरम स्प्रे जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो वैसलीन जो है इंडिया का फर्स्ट ब्रांड है जिसने इंडिया के समर को ध्यान में रखते हुए बॉडी सीरम स्प्रे जो है रेंज लॉन्च करी है हाल ही कुछ टाइम पहले ही। तो आज मैं आपको इस प्रोडक्ट के जेन्युइन रिव्यूज़ दूंगी क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और आपको मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे इस बॉडी सीरम को यूज़ करने के बाद, मेरी जो स्किन पे मुझे क्या फ़र्क नज़र आया, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं और आप इस सीरम को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको भी इसके अच्छे और बेहतर रिजल्ट मिल सके। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन और वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। समर सीजन के बारे में हम सब जानते हैं कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ड्राई और हीट वाला मौसम होता है। ऐसे में स्किन का ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर उस दौरान हम कोई भी बॉडी लोशन या क्रीम लगाते हैं अपनी स्किन पे तो हमारी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा चिपचिप्स, स्टिकी और हैवीनेस सभी फील होने लग जाता है। अगर हम सोचते हैं कि हम आज कोई क्रीम या बॉडी लोशन या लगाते हैं अपनी स्किन पर तो वो हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई फील होने लग जाती है। मुझे तो खासकर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा समर में मैं इसको फेस करती हूँ। तो लास्ट 2 वीक से मैं ये वैसलीन का बॉडी सीरम स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और रियली मुझे ये सीरम स्प्रे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो इसका ये क्विक अब्जॉर्बिंग जो फॉर्मूला है, जैसे हम स्किन पे स्प्रे करते हैं बहुत ज़्यादा क्विकली ये जो अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे और आपकी स्किन को ये चिपचिपे या स्टिकी सा नहीं बनाता। बहुत लाइट फॉर्मूला है, जैसे वाटर काइंड का चीज़ होती है ना, जेल से होता है जो, उसी तरीके का है। वाटरी काइंड का इसका टेक्सचर या फॉर्मूला है। आपकी स्किन को ये बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन को एक ये नेचुरल ग्लो करता है, आपकी स्किन को ये ड्राई नहीं करता, एटलीस्ट 10 to 12 hours तक आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाता है। और ये सीरम जो है आप इसको फेस पे, अपनी बॉडी पे, दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अब हम इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में यूज़ किए गए हैं। तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि विटामिन सी और सैफ्रन एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें यूज़ किया गया है बेंजाइल एल्कोहल और नायासिनामाइड। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें विटामिन सी का क्या काम होता है। विटामिन सी में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करती है। इसके अलावा विटामिन सी एक माइल्ड सनस्क्रीन की तरह काम करती है, बट इट डजंट मीन दैट कि आप सनस्क्रीन को स्विच करके विटामिन सी का यूज़ करें, नहीं, वो क्योंकि काफ़ी माइल्ड होती है तो काफ़ी कम प्रोटेक्शन आपको मिल पाती है। अगर आप विटामिन सी और सनस्क्रीन को मिक्स करके यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को डबल प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा जो विटामिन सी है आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं सैफ्रन यानी कि केसर। तो केसर के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है, हमारी दादी या नानी बहुत बोलते भी थे कि ऐसे नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो केसर उसमें से एक है। तो जो केसर है हमारी स्किन को एक कूलिंग सेंसेशन देती है। जब हम गर्मी में बाहर जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन में रैशेज या रेडनेस हो जाती है, तो जो सैफ्रन है उसको काम और सूदिंग करने में हेल्प करती है। तो सैफ्रन जो है बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए। इसके अलावा इसमें यूज़ किया गया है नायासिनामाइड मीन्स B3। तो उसका काम ये होता है जो हमारी स्किन में एक्स्ट्रा सीबम
हैं उसको कंट्रोल करना, हमारे पोर्स को टाइटन अप करके रखना, हमारी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाना, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना हाइपर पिगमेंटेशन से। इसके अलावा इसमें यूज़ किया गया है बेंजाइल एल्कोहल, जिसका काम होता है जो भी इंग्रेडिएंट के अंदर माइल्ड फ्रेग्रेंस है जो उसका टेक्स्चर है, वो जो टेक्स्चर है वो ईजिली ऑब्जॉर्व हो सके, और जो फ्रेग्रेंस है माइल्ड सी वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेगी ताकि आपको एक फ्रेश सा फील होता रहे। बट अगर बहुत सारे लोग होते हैं वो उनकी स्किन जो सेंसिटिव होती है, तो वो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी ऐसे कोई प्रोडक्ट लें तो उससे पहले अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लें, कि ताकि आपको कोई भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी ना हो और आपकी स्किन को कोई दिक्कत ना पहुँचे। तो अब हम इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं पिंक एंड वाइट कलर की इसकी आउटर पैकेजिंग है। जो सीरम स्प्रे है एक नॉर्मल सी प्लास्टिक स्प्रे बॉटल में आता है। जो इसका कैप है काफ़ी स्टडी है, मींस टाइट है, तो जो प्रोडक्ट है वो गिरेगा नहीं। तो उसके कारण से इसकी जो पैकेजिंग है मुझे काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली लगी। आप इसको ईजिली बैग में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा सारी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, इसके MRP, इसकी एक्सपायरी डेट और इसको किस तरीके से यूज़ करना है, सारा कुछ इसकी पैकेजिंग पे इन्होंने मेंशन किया है। तो जो इसकी पैकेजिंग है मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड सोबर लगी। तो अब इस प्रोडक्ट की शेल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 ईयर्स की शेल लाइफ मिलती है। तो शेल लाइफ जो है इन्होंने यहाँ मेंशन करी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 साइजेस आते हैं, एक 90 ml में मिलता है जिसका MRP है 135 rupees। इसके अलावा एक जो साइज़ है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं सेकेंड साइज़, वो है 180 ml जिसकी MRP है 299 rupees। ये मैंने नायका से लिया है, तो मुझे इस पर डिस्काउंट मिला था, तो मुझे ये 235 rupees में मिला था। तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और 2 साइजेस मिलने का ये बेनिफिट हो जाता है, आप छोटा साइज़ लेके देख सकते हैं कि इधर आपको ये जो प्रोडक्ट है सूट करता है कि नहीं करता। अगर सूट करता है तो देन आप बड़े साइज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस प्रोडक्ट के टेक्सचर की और फ्रेग्रेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस टेक्सचर के बारे में बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं अपने हैंड पे स्प्रे करके दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉटरी काइंड ऑफ इसका टेक्सचर है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ स्प्रे करा है, आपको लग रहा होगा ये जेल फॉर्म है, बट नो, ये वाटर काइंड का फॉर्मूला है। बहुत ज़्यादा जल्दी क्विकली ये आपकी स्किन पे ऑब्जर्व हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये ऑब्जर्व हो गया है, और मेरी स्किन को कितना ज़्यादा हेल्दी और हाइड्रेटेड लुक भी मिला। आप देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करके, तो मेरी स्किन को बिल्कुल भी चिप या हैवीनेस नहीं लग रहा, मेरी स्किन मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी और हाइड्रेटेड नज़र आ रही है। तो मुझे इसका जो फॉर्मूला है, क्विक ऑब्जॉर्बिंग जो फॉर्मूला है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब इस प्रोडक्ट की हम फ्रेगनेंस की बात कर लेते हैं। फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, कोई हैवी फ्रेगनेंस नहीं है, तो आप ईज़िली इसको सहन कर सकते हैं। और आफ्टर 2 or 3 hours के बाद जो उसकी माइल्ड फ्रेगनेंस है वो भी चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोगों की सेंसिटिव नोज होती है उनको फ्रेगनेंस से दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेंसिटिव नोज वाले भी इसको इस फ्रेग्रेंस को बियर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सा राइट वे है इसको यूज़ करने की, ताकि आपको भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। आप इसको नहाने के बाद यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम नहाते हैं तो हमारे स्किन से नेचुरल ऑयल्स जो हैं थोड़े बहुत हट जाते हैं, क्योंकि हम बॉडी वॉश या सोप यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन को थोड़ा बहुत ड्राई कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको आफ्टर बाथ यूज़ करते हैं तो अच्छा रहता है। सबसे पहले हम इसको शेक करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस से यूज़ स्प्रे करना है अपनी स्किन पर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और हल्के हाथों से जेंटली रब करना है। जल्दबाजी के हार्श नहीं होना अपनी स्किन पे बिल्कुल भी, ऐसे रब करना है। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा क्विकली ये ऑब्जर्व हो गया है सीरम मेरी स्किन पे, और मेरी स्किन को एक हाइड्रेटेड और ग्लोइंग लुक भी मिला है। तो ये सीरम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप भी इसको नहाने के बाद यूज़ करेंगे और डेली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
तो वैसलीन का ये बॉडी सीरम स्प्रे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी, इसका नॉन स्टिकी फॉर्मूला। जब भी मैं कोई बॉडी लोशन या क्रीम अपनी स्किन पे अप्लाई करती थी, आफ्टर दैट मेरी स्किन मुझे बहुत ही ज़्यादा चिपचिप लगती थी, स्टिकी सी लगती थी, गलती से कोई हाथ या पेपर टच हो जाता था तो वह ऐसे चिपक जाता था जैसे कि मैंने क्रीम या बॉडी लोशन नहीं कोई फेविकॉल लगाई है। तो जब से मैंने इसको यूज़ किया ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम सीरियसली फेस नहीं कर रही हूँ। सेकेंड मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, इसका क्विकली ऑब्जॉर्व फॉर्मूला। बहुत क्विकली ये आपकी स्किन पे ऑब्जॉर्व हो जाता है, आपकी स्किन को ये हाइड्रेटेड, एक स्मूथ और ग्लोइंग लुक भी मिलता है। ये आपकी स्किन को 10 टू 12 आवर तक हाइड्रेटेड रखता है। मैं बहुत बार जब कोई भी महंगा सा महंगे ब्रांड के मैंने बॉडी लोशंस यूज़ करे हैं तो वो भी मेरी, क्योंकि दिल्ली का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है तो उसकी वजह से मेरी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा चिपचिप लगता, तो मैं हैंड वॉश कर लेती थी तो उसकी वजह से मेरी स्किन जो है ड्राई हो जाती। तो मैं 2 हफ्तों से इसको यूज़ कर रही हूँ। सच्ची में मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मेरी स्किन को ये बहुत ज़्यादा सूदिंग सा लगता है, कूल सा लगता है, मतलब ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल लाइट वेट है तो ऐसा लगता नहीं है मैंने कुछ लगाया है। तो नॉट अ बैड डील, 235 रुपीज़ में अगर ये मुझे मिला है नायका से तो मुझे, मेरे को तो ये वर्थ ही लगा। और 180 ml है, हम इतने ज़्यादा महंगे बड़े ब्रांड्स के बॉडी लोशन यूज़ करते हैं फिर भी वो स्टिकी से लगते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ करा कोई बॉडी सीरम स्प्रे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप भी ये सीरम यूज़ करके देख सकते हैं। आप पहले छोटी बॉटल में इन्वेस्ट कर लें अगर आपको लगता है, तो फिर उसके बाद आपको यूज़ करते हैं वो अच्छी लगती तो आप तो बड़ी बॉटल लें। तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। होप आप सबको मेरा नया वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट दी लाइक बटन, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर इट। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।